डिज़ाइन की, तो ये 3-साइडेड फुल स्क्रीन बेजलेस टीवी है जो कि मेटालिक फ्रेम में और ये सिल्वर मेटालिक है। बॉटम साइड पे आप देख सकते हैं इसके जो टेबल स्टैंड्स हैं, क्वालिटी में ये एच क्यूलेड टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं। बहुत से व्यूवर्स के माइंड में क्वेश्चन होगा कि क्या ये क्यूलेड है, तो जी कर सकते हैं। ब्लैक कलर, वाइट कलर, ये सारी आप इसकी डिटेल। टीवी की बॉटम साइड पे हमें एक ये बटन देखने को मिल जाएगा। ये बटन यूँ समझ लें कि जैसे ये अलादीन का चिराग है, हमने इसको ऑन करके जस्ट कमांड देनी है और जो भी हम इसमें बोलेंगे ये उसी टाइम प्ले कर देगा। अस्सलाम एवरीवन, ये है हायर कंपनी की S5 UG सीरीज। 2023 में हायर कंपनी ने अपनी एस सीरीज को अपडेट किया है, तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि 2023 में इसमें नए फीचर्स क्या ऐड हुए हैं। इसी के साथ साथ इसकी प्राइस को भी डिस्कस करेंगे, इसकी अनबॉक्सिंग भी करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है शहरयार और आप देख रहे हैं टैपियो टेक। सबसे पहले अगर इसके बॉक्स की बात की जाए तो ये ब्लू कलर का बॉक्स है जिसकी टॉप साइड पे हमें हायर की ब्रांडिंग S5 सीरीज देखने को मिल जाएगी और इसी के ऊपर HQLED हैंड्स फ्री वॉइस कंट्रोल, क्रोमकास्ट, Dolby VN, Dolby Atmos, 4K, HDR, MEMC और फुल स्क्रीन, ये बॉक्स के ऊपर लिखा हमें मिल जाएगा। करें इसके साइजेस की, तो इसमें हमें 3 साइजेस देखने को मिल रहे हैं जिसमें 50 इंच, 58 इंचेस और 65 इंचेस। इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं और इसके रिव्यू को स्टार्ट करते हैं। ये इसके स्ट्रिप्स हैं, स्ट्रिप्स को हम कट करके इसके बॉक्स को ओपन कर लेते हैं। बॉक्स को जैसे ही हम ओपन करते हैं तो बॉक्स के अंदर इसके टॉप साइड पे जो टेबल स्टैंड्स हैं, मेटल में टेबल स्टैंड्स हैं इसके, वो देखने को मिल जाएंगे। और बॉक्स के अंदर से ये इसका एक पैकेट मिलेगा जिसके अंदर इसकी रिमोट और एक्सेसरीज वगैरह की कंप्लीट चीज़ें और वारंटी कार्ड वगैरह। पैकिंग आप देख सकते हैं काफ़ी स्ट्रॉन्ग पैकिंग है। साइड पर इसके आर्म है और फ्रंट साइड पर भी फॉर्म, जिससे जो है हमारा पैनल सेफ रहेगा। टीवी को हमने बॉक्स में से बाहर निकाल लिया है, अभी हम इसको वॉल माउंट करेंगे। ये हमारे पास यूनिवर्सल ब्रैकेट है, अब इसके साथ हम टीवी को हैंग कर रहे हैं। वैसे इसके साथ जो ब्रैकेट आ रही है वो स्मार्ट ब्रैकेट है, लॉक वाली ब्रैकेट है। टीवी की बॉटम साइड पे हमें एक ये बटन देखने को मिल जाएगा। ये बटन यूँ समझ लें कि जैसे ये अलादीन का चिराग है, हमने इसको ऑन करके जस्ट कमांड देनी है और जो भी हम इसमें बोलेंगे ये उसी टाइम प्ले कर देगा। मिसाल के तौर पे हमें कोई मूवी या सॉन्ग्स वगैरह चाहिए तो हम इसमें कमांड करके मंगवा सकते हैं। हमें जस्ट बोलना होगा हे गूगल या ओके गूगल। ये 20+ लैंग्वेजेस को सपोर्ट करता है, इंक्लूडेड अरबी, हिंदी, उर्दू। तो हमने जस्ट इसको कमांड देनी है, इसको ऑर्डर देना है। मूवीज़ से रिलेटेड कोई भी कंटेंट है तो इसने प्ले कर देना है। अब हम बात करेंगे इसके इनपुट्स की, तो इनपुट्स में हमें 2 USB पोर्ट्स, केबल की इनपुट, डिश रिसीवर, 1 HDMI इसकी साइड पे और 3 HDMI इसकी बॉटम साइड पे मिल जाएंगी। इसके अलावा ऑडियो वीडियो केबल, ऑप्टिकल वायर और डायरेक्ट लैन की इनपुट्स भी मिल जाएगी। व्यू स्टार्ट करने से पहले आपको हायर कंपनी के बारे में बता दूं कि ये पाकिस्तान का मोस्ट फेमस ब्रांड बन चुका है। सर्विसेज के मामले में हायर बहुत ही बेहतर परफॉर्मेंस प्रोवाइड कर रहा है। पाकिस्तान में इसके 30+ सर्विस सेंटर हैं जो कि आपकी एक कॉल पे आपके डोरस्टेप पे होंगे। अगर बात की जाए इसकी वारंटी की, तो पूरे पाकिस्तान में इसकी 2 साल की वारंटी है जिसमें पार्ट्स और पैनल दोनों चीज़ें शामिल हैं। पार्ट्स में आपका कोई भी इशू आ जाता है मदरबोर्ड, सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर का, वो आपका रिपेयर हो जाएगा। इसी के साथ साथ अगर पैनल में कोई डॉट लाइन या स्पॉट आ जाता है तो आपका पैनल भी फ्री ऑफ कॉस्ट चेंज कर दिया जाएगा, बट आपका जो पैनल है ये डैमेज नहीं होना चाहिए। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इसके डिज़ाइन की, तो ये 3-साइडेड फुल स्क्रीन बेजलेस टीवी है जो कि मेटालिक फ्रेम है और ये सिल्वर मेटालिक है। बॉटम साइड पर आप देख सकते हैं इसके जो टेबल स्टैंड्स हैं ये भी मेटालिक में है। इसी के साथ साथ इसमें जो 3-साइडेड फ्रेम है ये फुल सिल्वर मेटालिक में है, ये आप देख सकते हैं। अब हम बात करेंगे इसकी पिक्चर क्वालिटी की, तो पिक्चर क्वालिटी में ये HQLED टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं। HQLED मीन्स के हाई क्वालिटी LED जिसमें 350 निट्स हैं और ये हमें 93% कलर वॉल्यूम प्रोवाइड कर रहा है। बहुत से व्यूवर्स के माइंड में क्वेश्चन होगा कि क्या ये QLED है, तो जी नहीं, ये QLED नहीं है। QLED का जो कलर वॉल्यूम होता है वो 100% पे होता है और उसकी बैक साइड पर क्वांटम शीट यूज़ की जाती है। बट ये एक अच्छा पॉइंट है कि इसमें आपको 93% कलर वॉल्यूम मिल रहा है, ये QLED नहीं है। बट आप इसको कंपेयर कर सकते हैं, डिफरेंट सिर्फ 7% कलर वॉल्यूम।
सेकंड पे इसकी जो प्राइस है वो आपको क्यूलेट टीवी से काफ़ी कम मिल जाएगी। अगर हम बात करें इसकी रेजोल्यूशन की तो क्यूलेट में भी 4K रेजोल्यूशन यूज़ की जाती है और इसमें भी 4K 2160 मल्टीप्लाई बाई 3840 की रेजोल्यूशन यूज़ की जा रही है, जिसमें हमें HDR की सपोर्ट मिल रही है जो कि हमारे कलर्स को हाई डायनामिक रेंज पे प्रोवाइड कर रहा है और हमारी पिक्चर की डिटेल और क्लैरिटी को मजीद रिफाइन करके हमें प्रोवाइड कर रही है, आप डिफरेंस देख सकते हैं। इसी के साथ साथ पिक्चर को मजीद बेहतर करने के लिए इसमें डॉल्बी VN की टेक्नोलॉजी यूज़ की गई है जो कि क्यूलेट में भी होती है। डॉल्बी VN का यूजेज ज़्यादातर नेटफ्लिक्स और प्राइम वीडियो की मूवीज़ वगैरह में किया जाता है, जिसमें ये आपके डार्क और ब्राइट एरियाज़ को मजीद क्लियर करके दिखाता है, मीन्स कि आपका जो डार्क एरिया उसको भी ये ब्राइट करके दिखाएगा और जो ब्राइट एरिया उस पर भी ये कलर्स को मर्च नहीं होने देगा बल्कि एक्यूरेट दिखाएगा। तो अगर आप नेटफ्लिक्स की मूवीज़ वगैरह इन्जॉय करना चाह रहे हैं तो आप नीचे दिए गए कॉन्टैक्ट्स पे रब्ता करके स्क्रीन बाय कर सकते हैं। ये हमारी डिस्काउंट ऑफर चल रही है जिसमें आपको 100 का डिस्काउंट मिल जाएगा। इसी के साथ साथ अगर आप प्राइम वीडियो की स्क्रीन बाय करना चाह रहे हैं तो ये जस्ट आपको 250 में मिल जाएगी, जिसमें आप लेटेस्ट मूवीज़ और सीजन वगैरह देख सकते हैं। और अगर आप कंप्लीट पैकेज हासिल करना चाह रहे हैं तो वो भी आपको अच्छी प्राइस पे मिल जाएगा। अब हम बात करेंगे इसकी साउंड आउटपुट की, तो साउंड आउटपुट में ये डॉल्बी एटमोस की टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं जो कि डॉल्बी ऑडियो डॉल्बी डिजिटल मोनो स्टीरियो सराउंड सबसे टॉपस की टेक्नोलॉजी है, जिसमें आपका जो साउंड एक्सपीरियंस है वो काफ़ी बेटर हो जाएगा और ये हमें कंप्लीट सिनेमा साउंड जैसी फीलिंग्स प्रोवाइड करता है। इसके अलावा इसमें हमें हैंड्स फ्री वॉइस कंट्रोल की ऑप्शन मिल रही है, जिसमें आप विदाउट रिमोट का यूज़ किए टीवी के नीचे वाले बटन को ऑन करके 500,000+ मूवीज़ को और शोज़ वगैरह को देख सकते हैं। हमें जस्ट इसको मुखातिब करना होगा हे गूगल या ओके गूगल बोलकर। इसके अलावा इसमें हमें MEMC की ऑप्शन मिल रही है। MEMC मीन्स के मोशन एस्टिमेशन मोशन कंपोजिशन, जो कि हमारी पिक्चर में लैग नहीं आने देगा। हमारी पिक्चर जो रुक रुक के चल रही है या कोई फास्ट मूवी या फुटबॉल शोज़ देख रही है या उसमें लैग आ रहा है, तो ये पिक्चर को मज़ीद स्मूथ करके और क्लियर करके दिखाएगा। MEMC के बाद इसमें हमें माइक्रो डिमिंग की ऑप्शन मिल रही है। माइक्रो डिमिंग मीन्स के जो हमारा डार्क एरिया है, कोई डार्क मूवीज़ वगैरह देख रहे हैं या कोई ब्राइट एरिया है, तो उसको ये डिटेल से दिखाएगा। इसमें हमें क्रोमकास्ट बिल्ट इन मिल रही है, जिसकी मदद से हम अपने मोबाइल या लैपटॉप वगैरह का डिस्प्ले विदाउट वायर वायरलेस डिस्प्ले अपने टीवी के साथ शेयर कर सकते हैं। इसमें हमें ब्लूटूथ 5.1 की ऑप्शन मिल रही है। HDMI में हमें 2.1 की ऑप्शन मिल रही है, जिसमें VRR वेरिएबल रिफ्रेश रेट ऑटो लो लेटेंसी मोड एंड EARC इनहेंस ऑडियो रिटर्न चैनल की ऑप्शन मिल जाएगी, जो कि हमारी पिक्चर को मज़ीद स्मूथ बना देगा और हमारे गेमिंग एक्सपीरियंस को भी काफ़ी बेटर कर देगा। इसके अलावा हमें 7 डिफरेंट पिक्चर मोड्स मिल रहे हैं, जिसको हम अपनी मर्ज़ी से सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर बात की जाए साउंड की तो साउंड में भी डिफरेंट 7 मोड्स हैं जिसको हम अपनी मर्ज़ी से सिलेक्ट कर सकते हैं। अब हम इसकी सेटिंग को ओपन करेंगे और इसकी स्पेसिफिकेशन वगैरह को चेक करेंगे। तो जैसे ही हम इसकी सेटिंग को ओपन करते हैं, सेकेंड लास्ट पर हमें ऑप्शन मिल जाएगी डिवाइस प्रेफरेंस की। डिवाइस प्रेफरेंस को ओपन करने के बाद यहाँ पे अबाउट को ओपन करना है। अबाउट को ओपन करने के बाद आप देख सकते हैं कि हमें एंड्रॉयड 11 की ऑप्शन मिल रही है, जो कि सबसे एडवांस वर्जन चल रहा है टीवी में। अभी तक एंड्रॉयड 11 ही है, जैसे ही अपडेट आएगी ऑटो अपग्रेड हो जाएगा। अगर बात की जाए इसकी स्टोरेज की, तो स्टोरेज में हमें 16GB इंटरनल स्टोरेज मिल रही है, जिसमें से 4GB इसके अपने सॉफ्टवेयर में यूज़ हो रही है, 12GB अवेलेबल है। और अगर बात की जाए इसकी रैम की, तो इसमें DDR3 की 2GB रैम यूज़ की गई है। अब हम इस पर कोई वीडियो वगैरह प्ले करेंगे, 4K कंटेंट प्ले करेंगे, जिसमें आप इसके कलर्स वगैरह को चेक कर सकें, इसकी ब्राइटनेस शार्पनेस डिटेल क्लैरिटी वगैरह को चेक कर सकें। तो ये आप देख सकते हैं, आप फेस फोकस वगैरह देख सकते हैं, बैकग्राउंड फोकस देख सकते हैं, इसकी क्लैरिटी को चेक कर सकते हैं, ब्लैक कलर वाइट कलर सारी आप इसकी डिटेल्स वगैरह चेक कर सकते हैं, ग्रीन कलर्स देख सकते हैं। ये कलर्स को मज़ीद प्रोमिनेंट करके दिखा रहा है, ठीक है। 93% कलर वॉल्यूम प्रोवाइड कर रहा है। बैकग्राउंड फोकस आप देख सकते हैं, इसी के साथ साथ ग्रीन कलर्स की आप डिटेल्स क्लैरिटी वगैरह को चेक कर सकते हैं। लास्ट पे आपको एक स्पेशल ऑफर प्रोवाइड कर दूँ, अगर आप स्मार्ट टीवी यूज़ कर रहे हैं और केबल वगैरह का यूसेज नहीं करना चाह रहे तो आप नीचे दिए गए कॉन्टैक्ट्स पर रब्ता करके इस एप्लीकेशन को बाय कर सकते हैं, जिसकी एक्चुअल प्राइस 1000 है, बट ये आपको 70% डिस्काउंट पर मिल जाएगी। इस ऐप की वन टाइम पेमेंट होगी, जिसके बाद आप इस एप्लीकेशन को लाइफ टाइम यूज़ कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो इसी तरह की वीडियोस के लिए।